नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। सोने से बिल्कुल पहले कर सकते हैं, इसके बाद दूसरा आसन लीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, साइड साइड देन हाफ बैक, फिर दोनों रिलैक्स कर लीजिए। अब इनके कान के बाद सोने जा रहे हैं, इस तरह से हाथ रिलैक्स कर लीजिए, स्ट्रेच करना। हम सब चाहते हैं कि जब हम सो करके उठें तो एकदम फ्रेश हों, और जब हम बिस्तर पर जाएं तो हम निश्चिंत हो करके जाएं, ताकि हम गहरी नींद भी सो सकें, अच्छी नींद भी सो सकें। और गहरी अच्छी नींद से ही हमारा स्वास्थ्य बनता है, ये हम सब जानते हैं। आज हम बात करेंगे गुड नाइट योग की, यानी कि रात को सोने से पहले ऐसा क्या योगाभ्यास आप कर सकते हैं कि आपकी नाइट गुड हो जाए। वो नाइट जो अक्सर डिस्टर्ब रहती है, वो नाइट जो अक्सर उठती जगती तीसी रहती है, यानी कि कुछ ऐसी आसान सी योग की क्रियाएं जो आप करेंगे अपने बिस्तर पर बैठे बैठे सोने से बिल्कुल पहले, ताकि आपको अच्छी और हेल्दी नींद आए। ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। योग मात्र कसरत नहीं है, और योग में हमें कृतज्ञता सिखाई जाती है, क्षमा सिखाई जाती है। आप क्षमा का दान देना सीखें। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे ने गलती छोटी की है, और उसका अर्थ ये भी नहीं कि आप दूसरे को लिबर्टी दे दें कि वो आपके साथ दोबारा उस गलती को दोहराए। उसका अर्थ सीधा सा ये है कि आप अपने आप को स्ट्रेस और टेंशन से दूर रखना चाहते हैं। तो अगली दफ़ा जब आप बहुत स्ट्रेस में हों तो क्षमा का दान दें, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आइए जानते हैं वो आसान सी योग की क्रियाएं जिनका अभ्यास आप बिस्तर पर बैठे बैठे सोने से बिल्कुल पहले कर सकते हैं। बिस्तर पर बैठ करके सबसे पहले आप करेंगे साउंड ऑफ हमिंग, यानी इसी तरह से बैठना। आप बैकरेस्ट लेकर के भी बैठ सकते हैं, आंखें बंद, पूरा गहरा सांस लेना और सांस छोड़ते हुए हमिंग का साउंड क्रिएट करना। फिर से गहरा श्वास लेना और फिर इसे रिपीट करना। ऐसा आप 6 से 7 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास आप लेंगे वो यहीं बैठे बैठे, पहले अपनी गर्दन को रिलैक्स कर लीजिए, साइड साइड देन हाफ बैक, फिर कंधों को रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि आप दिन भर की थकान के बाद सोने जा रहे हैं। इस प्रकार से अपने हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, स्ट्रेच करना, हाथों को वापस ले आना, ट्विस्ट करना, और फिर आनंद गति स्वामी वंदनीय भारत भूषण जी की एक बहुत बड़ा उपहार है। योग में गतियों पर उन्होंने बहुत प्रयोग किए, गति उन्होंने दी, और गति वो जो हमें दुर्गति से बचाती है। आनंद गति यथा नाम तथा गुणा, आनंद गति हमें आनंद प्रदान करती है। यह आपको साउंड स्लीप भी देती है, आपको स्ट्रेस फ्री भी रखती है, और इतने जो ख्याल और सपने हम बुनते रहते हैं सोते सोते, जिसके कारण हम चैन से सो नहीं पाते, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो उसमें हम इस प्रकार से अपने हाथों को साइड में फैला देते हैं, और इसी स्थिति में रहते हुए लेफ्ट एंड राइट धीरे धीरे से, यानी जैसे पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जो है वो मूव करता है, ऐसे आंख बंद करके आपको इसका अभ्यास करना है। दोनों तरफ करते जाएं, थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही करना, आपको खुद ही नींद आनी शुरू हो जाएगी, और फिर वापस ले आना शरीर को मध्य में, हाथों को नीचे ले आना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, और बस फिर लेट करके सो जाना। इससे पहले इन क्रियाओं का अभ्यास करें। यूं तो योगाभ्यास बिस्तर पे नहीं किया जाना चाहिए, पर जैसा हमने कहा कि ये ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जो सोने से पहले कुछ ऐसा करें कि उनको अच्छी नींद आए।
हमारा कार्यक्रम देखते रहें और साथ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि योग मात्र कसरत नहीं है, इसलिए योग को एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। रात को सोते समय परमात्मा से कृतज्ञता का भाव रखें, परमात्मा को धन्यवाद करें इस चीज़ के लिए कि हे प्रभु, आज तूने मेरे जीवन में एक और दिन दिखाया और इस दिन के लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ।